योगी की तारीफ अगर मोदी करें तो इससे क्या मतलब योगी बढ़िया हो गए, योगी एक बढ़िया चीफ मिनिस्टर हो गए? नहीं ना। योगी की और मोदी की, एक जो इनसे डरते हों, दो जो इनकी चापलूसी करते हों, तीसरा कोई व्यक्ति इनकी तारीफ नहीं करेगा। बीजेपी को हराने के लिए लोग वोट देंगे और जो बाकी 20% है वो बीजेपी के पास जाएंगे। आप देखना ना, आप यही आने वाले समय में तमाशा होने वाला है। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं बनेगी, प्रदेश की जनता उखाड़ के फेंक देगी। उत्तर प्रदेश का विकास तो होगा बीजेपी के जाने से, योगी जैसे नेताओं के राजनीति से बाहर जाने से उत्तर प्रदेश का विकास होगा। ये कानून तो एक घटिया किस्म की, छोटी मानसिकता की एक सोच है, राजनीतिक सोच है, जिसके लिए सब कुछ हो रहा है। सीएम योगी का कहना है कि इस बार हम बम्पर जीत लाने वाले, वो इसलिए क्योंकि हमने 2017 से जो उनका कार्यकाल है उनमें शानदार काम किया है उन्होंने। ने क्या काम किया है? एनकाउंटर बताएंगे कि उन्होंने एनकाउंटर किए हैं? क्या ये बताएंगे कि FIR होने नहीं दिए उन्होंने? क्या ये बताएंगे कि इतने बलात्कार हुए हैं? क्या ये वो बताएंगे कि इतने कत्ल हुए हैं? क्या बताएंगे वो इतनी लूट हुई हैं? क्या बताएंगे वो आखिर? क्या है उनके पास बताने के लिए? क्या बताएंगे कि एजुकेशन में कोई काम किया है उन्होंने? किया है कोई एजुकेशन काम? क्या वो बताएंगे कि उन्होंने जो है मतलब जो ये आपकी स्वास्थ्य व्यवस्था है किस बुरी तरह से चरमराई हुई है, जिसका जो है पूरा नंगा सच इस पूरी दुनिया ने देखा है? उन लाशों से ही रामनामी चादर जो नोच ली गई सरकार द्वारा, क्या इसे बताना चाहेंगे कि ये उनकी उपलब्धि है? और क्या वो लाशें जो दबी हुई थी, जिनको छुपाने की कोशिश की, वो लाशें अब पानी नदी में बढ़ने के बाद में बाहर निकल कर आ गई, उसे बताना चाहेंगे? ये है कांग्रेस के पास बचाने के लिए? बात करेंगे तो दर्शक ज्यादा समझ पाएंगे। सबसे पहले बात करते हैं, सीएम योगी ने कहा कि बेरोजगारी का जो मसला था, जो हमने वादे किए थे यूपी में, वो हमने पूरा किया। इसी वजह से वो दिल्ली और यूपी के तमाम जगहों पर होर्डिंग लगाकर बता रहे हैं कि हमने लगभग 6 लाख रोजगारों को, युवाओं को रोजगार दिया है। भाई आपने 6 लाख देखा होगा, मैंने तो समझा वो लिखा जो है उस होर्डिंग पर जो लिखा है उत्तर प्रदेश में है, उसमें दिल्ली में लगे हुए हैं कि उत्तर प्रदेश देश में नंबर 1 रोजगार। तो क्या है? 4 लाख सरकारी नौकरी, वो ये भी नहीं है कि दी गई है या खत्म कर दी गई है, 4 लाख सरकारी नौकरी। कौन सी 4 लाख है फिर उसको एक्सप्लेन करके बताएं कि उन्होंने किस किस फील्ड में 4 लाख नौकरी दी है। ये जो बीजेपी झूठ बोलती है और झूठ का जो पुलंदा खड़ा करती है और केवल झूठ का प्रचार करती है, ऐसा मैंने दुनिया में कोई शायद पार्टी देखी नहीं जो इतना झूठ का प्रचार करती है। वो ये भी कर रही है कि स्मार्ट मतलब बन गया है उत्तर प्रदेश, जो है स्मार्ट उस पर उत्तर प्रदेश बन गया। कैसा स्मार्ट उत्तर प्रदेश देखा है आपने? देखा है ना, अगर जाते हो रोड पर जाते हो तो रोड आपको टूटी फूटी रोड मिलती है, मिलती है ना, मिलती हैं। आप जाके देखेंगे शहर शहर में गंदगी का जो ढेर पड़ा हुआ है, और यहीं आप इसी में देख लो कि कितना बड़ा देख, गाजियाबाद में ही देख लो, आप इधर बुलंदशहर में चले जाओ, आप चलो मेरे साथ, मैं मेरठ में दिखाता हूँ, आप चलो मेरे साथ गाजियाबाद दिखाता हूँ, आप आओ बरेली दिखाऊँ, मुरादाबाद दिखाऊँ, आपको कहाँ कहाँ मैं दिखाऊँ किस तरह से जो है मतलब गंदगी का चारों तरफ ढेर पड़ा है, चाहे वो अलीगढ़ हो चाहे वो मथुरा हो, मतलब हर जगह। क्या इसे दिखाना चाहते हैं? रोजगार किस क्षेत्र में दिया है आप बिल्कुल स्पेसिफाई करो आप। बल्कि आपने तो जो ओबीसी का रोजगार था, जो ओबीसी का रिजर्वेशन था, जो सीटें थी जो उसमें टीचर्स में, वो भी आपने खाली, उसको भी आपने जो मतलब जनरल में कर दिया, आप इस तरह की वो कर रहे हैं। मतलब क्या है जो आप दिखाएंगे? कुछ भी एक चीज हो आपके दिखाने पास, दिखाने के लिए कुछ भी नहीं। जो मैंने अभी आपको बताया मेडिकल का, आप मेडिकल की हालत देख रहे हैं क्या? हॉस्पिटल की गाड़ी में बैठे हुए ऑक्सीजन की कमी से लोग मर गए हैं, और सरकार कह रही है जो ऑक्सीजन की कमी से तो कोई मरा नहीं। बात लेकर सीएम योगी का कहना, उनके कार्यकर्ताओं का कहना, नेताओं का, कि जो बसपा और सपा के एक टाइम में कानून व्यवस्था जो बिगड़ी थी, जो जंगल राज बन गया था, जो गुंडों को बढ़ावा दिया जा रहा था, हमने उसको बहुत नए तरीके से हमने उनको कम करने का कोशिश किया, और उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था आज शून्य है। हाँ बिल्कुल, कैसी कानून व्यवस्था है? अभी आपने देखा ना कि जो चुनाव हुए हैं ब्लॉक प्रमुख के, यानी कि जो पार्टी जिला पंचायत के चुनाव में 1/5 जिसको सीटें मिली, यानी 20% ही जिसको जीत मिली जिला पंचायत अध्यक्ष के, उसमें उसकी पुल मतलब प्रशासन शासन प्रशासन के माध्यम से गुंडागर्दी की जो की गई, उसमें जो कैंडिडेट्स को नॉमिनेशन भी नहीं करने दिया गया, जो मेंबर्स हैं उनको उठा लिया गया, बंद कर दिया गया, जबरदस्ती उन्हें धमकाया गया, वो सारी चीजें सबने देखी। तो जिस पार्टी को 3050 में से मुश्किल से 650 जो है मेंबर जिसके जिला पंचायत में हैं, उस पार्टी के 75
75 में से 67 जिला पंचायत अध्यक्ष किस दम पे हुए, आपने सबने देखा नंगनाच। और किस तरह से जो बीडीसी का चुनाव, ब्लॉक प्रमुख का चुनाव हुआ, महिला की साड़ी किस तरह से खींची गई, चीरहरण आपने देखा। और किस तरह से, मतलब आप देखिए कि 850 या 825 के लगभग में से तकरीबन 650 उसके जो ब्लॉक प्रमुख बने हैं, मतलब लोगों को आपने नॉमिनेशन नहीं करने दिया गया, लोगों को आपने मेंबर्स को उठा के जबरदस्ती वोट डलवाई गई, धमकाया गया, यह है कानून व्यवस्था। आपने कितने ही लोगों का एनकाउंटर किया, यह है कानून व्यवस्था। रेप आपके जमाने में हो रहे हैं, छोटी छोटी बच्चियां जिनकी शिकायत हो रही है, आप जाके रात को 2 बजे 12 1 बजे 2 बजे जाके, पुलिस आपको ध्यान होगा इधर जो आपके चित्रकूट की तरफ के कहीं पे था, जो रेत माफिया जो नाबालिग बच्चियां थी उनका जिस तरह से शोषण करते थे, उन्होंने जब जिस समय शिकायत की तो रात को 12 1 बजे वहां पुलिस पहुंच गई और उसके बाद में वो मामला कहीं नजर ही नहीं आया, सब दबा दिया गया, FIR नहीं हो रही। ये कानून व्यवस्था है क्या, इसे बताना चाहोगे, ये है अच्छी कानून व्यवस्था। तो आपके बातों का मतलब ये निकाला जाए कि 4.5 सालों में सीएम योगी सरकार ने कुछ भी नहीं, मेरी बातों का मतलब नहीं, मैं तो आपसे पूछ रहा हूं, आप अपनी बातों का मतलब बताओ, जो ये सारी चीजें हैं क्या ये हुई हैं या नहीं? आप तो पत्रकार हैं, आपका तो मीडिया लगातार लोगों की खबरें दिखा रहा है, क्या ये जो मैं बोल रहा हूं ये सच है या नहीं है, आप बताइए। यही वजह कि DS4 की जो तमाम टीम है वो यूपी के तमाम जिलों में जाकर लोगों से यही पूछ रही है कि आपको मिला है, तो अभी तक का जो सर्वे आया वो 50-50 है। नहीं, आप कह रहे 50-50, आप ही के उस पर जो सर्वे देखा था मैंने, मोदी वाला सर्वे देखा, 90% लोग मोदी को रिजेक्ट कर चुके हैं, आप ही उस पर। और चलो मैं अगर आपकी बात मान लूं कि 50-50 है, तो आने वाले आप समय में देखिए ये 50-50 जो है ना, ये निश्चित रूप से 80-20 में हो जाएगा। 80% बीजेपी को खत्म करने के लिए, बीजेपी को हराने के लिए लोग वोट देंगे, और जो बाकी 20% है वो बीजेपी के पास जाएंगे। आप देख लेना, आप यही आने वाले समय में तमाशा होने वाला है। ये सारी चीज़ें से पॉलिटिकल बात करते हैं कि आपने देखा यूपी में कि विपक्ष पहले ही अनाउंस कर चुका है कि वो गठबंधन किसी से नहीं करेंगे, चाहे वो सपा हो या BSP या कांग्रेस। लेकिन सवाल ये है कि उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ने कल ही कहा है, और वो ये है कि अगर ये तमाम पार्टियां एक साथ आ भी जाती हैं, SP सपा BSP और कांग्रेस भी, तो भी उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। कोई बात नहीं, ये तो आने वाला समय बताएगा कि कौन किसका बिगाड़ेगा, नहीं बिगाड़ेगा, क्या होगा क्या नहीं होगा, आने वाला समय बताएगा। पर मैं आपको एक चीज़ बता दे रहा हूँ, आने वाले समय में उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं बनेगी, प्रदेश की जनता उखाड़ के फेंक देगी। और प्रदेश में जो जिसकी सरकार बनेगी वो है राष्ट्रीय जनहित संघर्ष पार्टी, राष्ट्रीय जनहित संघर्ष पार्टी की सरकार बनेगी, और फिर वो सरकार लोगों के लिए ईमानदारी से काम करेगी। चलिए, ये तो सर आने वाले वक्त में पता चलेगा, वो 2022 में पता चलेगा। लेकिन एक सवाल मैं आपको बता दूं कि मीडिया में एक सर्वे किया गया, और वो ये है कि उत्तर प्रदेश में जो सबसे लोकप्रियता नेता है वो कौन है, तो आज भी मुख्यमंत्री पद के लिए सीएम योगी को ही चुना गया। नहीं नहीं, ये तो आप कह रहे हो ना, ये तो मीडिया, जो उनका मीडिया होगा, गोदी मीडिया, वो कह रहा सीएम योगी को। तो मैं समझता हूँ, मैंने तो एक सर्वे में देखा शायद 10 या 15% ही लोग पसंद कर रहे हैं। आप कैसे कह रहे हो कि मतलब उनको पसंद कर रहे हैं? योगी को तो पसंद करने का मतलब ही नहीं। जिस व्यक्ति ने इस तरह की लॉ एंड ऑर्डर की सारी सिचुएशन खराब कर दी, जो सरकार 2 महीने कहीं नजर नहीं आई, यही तो सरकार थी जिसने जो है सारा, जहां लाशें इतनी जबरदस्त तरीके से इतनी जलाई जा रही थी, चाहे वो लखनऊ हो, चाहे प्रयागराज हो, चाहे गोरखपुर हो, वहां पे दीवार खड़ी की ताकि लोगों को पता ना लग जाए इतनी लाशें जल रही हैं, ये सारी चीजें। सर, सीएम योगी ने जो भी कुछ कहा, हमने आपसे सवाल पूछ लिया और हकीकत लोगों को पता चला होगा कि सच में क्या है। लेकिन एक चीज़ और है, वो जो एक बहुत अहम मुद्दा है वो ये है सवाल कि ये जो जनसंख्या नियंत्रण कानून है जो सीएम योगी लाने की तैयारी में है, तो कानूनी तरीके से, क्योंकि पेशे से आप वकील भी हैं, इनको लाने से क्या फ़ायदा होगा? क्या ये राजनीतिक मुद्दा है या क्या कुछ है, ये आप बताइए। ये पूरी तरह से राजनीतिक है, और ये आपको हकीकत में बताएं कि ये केवल मुस्लिम विरोधी नहीं, ये तो हिंदू मुस्लिम राजनीति होती है, ये इस देश के गरीबों के विरोध में कानून है। देखिए, जनसंख्या नियंत्रण होती है जब व्यक्ति खुद समझ जाए कि भाई मुझे परिवार छोटा रखना है। वो कब समझेगा? जब आप उसको एजुकेट करोगे। आप एजुकेशन दो लोगों को, अच्छे एजुकेशन दो लोगों को, अच्छा रोजगार दो लोगों को, अपने आप ये खत्म हो जाएगी। आप दुनिया का उदाहरण देखिए, दुनिया के जितने भी विकसित देश हैं, जितने भी सशक्त देश हैं, मजबूत देश हैं, वहां जब कभी भी इस तरह की स्थिति आई और उन्होंने जो हुआ, उन्होंने लोगों को एजुकेट किया, लोगों को शिक्षित किया, लोगों को बढ़िया एजुकेशन दी, लोगों को रोजगार दिया।
अपने आप ये सारी चीजें हो जाती हैं। हर पढ़ा लिखा समझदार व्यक्ति जो नौकरी कर रहा है, जिसकी कहीं भी मतलब रोजगार इस तरह का है, वो जान जाता है पढ़ा लिखा व्यक्ति कि यार एक दो बच्चों को पालना ही जो बड़ी मुसीबत की स्थिति हो जाती है, इससे ज्यादा संभव नहीं है, तो वो करता ही नहीं है, वो बच्चे नहीं करता। कि इस कानून को लाने से उत्तर प्रदेश का विकास होगा, उत्तर प्रदेश का विकास तो होगा बीजेपी के जाने से, योगी जैसे नेताओं के राजनीति से बाहर जाने से उत्तर प्रदेश का विकास होगा, इन कानूनों के लाने से नहीं होगा विकास। ये कानून तो एक घटिया किस्म की छोटी मानसिकता की एक सोच है, राजनीतिक सोच है, जिसके लिए सब कुछ हो रहा है, इससे देश का भला नहीं होगा। आखिरी सवाल मैं आपसे जानने की कोशिश करता हूं, और मुझे पता है कि आप इसको बाखूबी अच्छे तरीके से बताएंगे कि पीएम मोदी वाराणसी में आते हैं, जब आपने कहा कि कुछ हुआ ही नहीं इन सारे चार सालों में, तो ऐसा क्या वजह है कि सीएम योगी की चार गुना तारीफ बढ़कर करते हैं पीएम मोदी? नहीं, वो तो उनका यही है कि भैया तू मेरी तारीफ कर मैं तेरी करूं, दोनों कर कुछ नहीं रहे, तारीफ ही करते रहो। सीएम मोदी की तारीफ, वो सीएम योगी की तारीफ अगर मोदी करें तो इससे क्या मतलब योगी बढ़िया हो गया, योगी एक बढ़िया चीफ मिनिस्टर हो गए? नहीं ना, बढ़िया होता है कोई व्यक्ति उसकी तारीफ करने की जरूरत नहीं होती, उसकी तारीफ लोग करते हैं, जनता करती है, और जनता की आवाज गूंजती है, हर कोई कहता है। आज की तारीख में अगर कोई तारीफ भी कर रहा है ना, तो दो ही तरह के लोग तारीफ आपको करते हुए मिलेंगे, योगी की और मोदी की, एक जो इनसे डरते हों, दो जो इनकी चापलूसी करते हों, तीसरा कोई व्यक्ति इनकी तारीफ नहीं करेगा। यह है इस तरह की स्थिति, यह जो बीजेपी के लोग हैं जो इनकी मतलब चापलूसी में डूबे वही लोग करेंगे, और कोई नहीं करेगा। अभी आपने एक चीज मैं भूल गया, जरा अभी आपको बता दूं, आपने जो है इस जनसंख्या कानून पे, आप जनसंख्या कानून इसकी स्थिति देखिए कि इसका गंभीर परिणाम न केवल मुस्लिमों पे और गरीब समाज पर पड़ेगा, एससी पर, ओबीसी पर पड़ेगा, इसका सबसे भयानक जो प्रभाव पड़ेगा वो पड़ेगा महिलाओं पर। तो ये कानून महिला विरोधी है, और दलित और मुस्लिम और ये जो गरीब लोग हैं एससी और ओबीसी एसटी, इनके विरोध में कानून है। चाहिए ये कि एजुकेशन दो, बढ़िया रोजगार दो, स्वास्थ्य की सुविधाएं दो, तब ये सारी चीजें होंगी, अन्यथा ये घटिया राजनीति का एक हिस्सा है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे बातचीत करने के लिए। तो आप सुन रहे थे भानु प्रताप सिंह को, इन्होंने बताया बाखूबी से कि जो सीएम योगी वादे कर रहे हैं उसकी हकीकत क्या है, जो जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर बवाल मचा हुआ, ये सबसे बड़ा परेशानी किस लोगों के लिए है।